मुमरा बाईपास टोल नाके के नजदीक दानिश चौल में रहने वाले लोग रास्ते पर कचरा डालने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि यहां पर ना ही कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है और ना ही कचरा डालने के लिए कोई डब्बा रखा गया है। इस वजह से लोग रास्ते में कचरा फेंकने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई बार शिकायत भी की गई है प्रशासन से, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि गटर के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगे हुए हैं। रात के समय आने जाने वाले लोग अक्सर इन खुले हुए गटर में गिर जाते हैं। रास्तों पर कचरा होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दानिश चाल में रहने वाले लोगों ने क्या कुछ अपनी समस्या बताई है आपको सुनाते हैं। क्या परेशानी क्या लगा है ना, जब से तो बिल्कुल कचरे की गाड़ी नहीं आती है, पहले तो आती भी थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो कचरा यहाँ पर कौन लोग डाल रहे हैं? ये कचरा डालने की जगह ही नहीं भाई। अच्छा। तो वही नाले में ले जाके फेंकते, नाले में ले जाके फेंकते, बारिश आती है तो नाला भर जाता है, क्या करें। गटर की भी हालत बहुत खस्ता है। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी नहीं आती कचरा उठाने? आती नहीं, वो आगे चाली में आती है। आते तो बराबर नहीं आती। अच्छा, इधर आइए, लेके जाते बस। ये दानिश चाल है और यहाँ पर बाईपास से आने के लिए ये रास्ता है, पूरा कचरा उठाते नहीं लेके जाते, बंद हो गया। हमने थोड़ा सा दो चार डब्बा उठाया, बस चले गए। हम लोग बोलते हैं कि भाई पूरा कचरा तो उठाओ, तो क्या बोलते हैं, बोले हम लोग को इतना उठाने का ये नहीं है, कानून नहीं है। झाड़ू वाले भी बराबर नहीं आते यहाँ पर, झाड़ू वाले तो 15 दिन के बाद ही आएंगे, हफ्ते में एक बार खाली आएंगे, थोड़ा सा झाड़ू लगाएंगे, चले जाएंगे। कोई यहीं तक आते हैं भाई, हमारे घर तक तो कोई नहीं आता। वो भी यहाँ तक आएंगे, पूरा झाड़ू भी नहीं लगाते। वो भी कोई नहीं आता है, कचरे की गाड़ी चाली बनाने के लिए बोले थे, अभी तक वो चाली बनी नहीं। गाड़ी आती थी पहले, बारिश के पहले बोले थे चाली बनाने के लिए, बोलते एक काम करो आप लोग भरनी कर दो, मैं हम लोग क्या नाम है उसको प्लास्टर कर देंगे। नहीं, यहाँ पर जिस तरह से कचरा पड़ा है तो इसको लेकर जो यहाँ के नगर सेवक थे उनके पास आप लोग कंप्लेन वगैरह ले गया हूँ? कितनी बार जा सकते हैं? पहले गया हूँ, लेके गया हूँ, व्हाट्सअप भी किया उनको, लेकिन उनका कुछ रिप्लाई नहीं आता है। 20 दिन में 30 दिन में गाड़ी आई, 2 डब्बा 4 डब्बा उठाई तो उठाई, नहीं तो नहीं उठाई। ईद के मैं 10 दिन पहले से जा रहा था, भाई कचरा उठा लो, त्यौहार आ रहा है, सब नवाजी उधर से जाते, वहाँ से कोई आया नहीं उठाने। ईद के 10 दिन बाद गए हम लोग, रियान भाई के एंटर में पड़ता है ये एरिया, रियान भाई के ऑफिस में जाके उड़ते उड़ते सब गए थे हम लोग, बैठे वहाँ पे बात किए, बोले उठवाते, लेकिन किसी ने उठाया नहीं था। और वो रास्ता हम लोग को अच्छा, ये दानिश चाल का जो रास्ता पीछे से भी है, साइड से है, दोनों रास्ते पे ऐसे कचरा, दोनों रास्ते पे कचरा, क्योंकि यहाँ पे फेंकने की कुछ फैसिलिटी नहीं है। हम लोग ने ये भी बोले थे डब्बा रखवा लो, तो बोलते जगह नहीं है, जगह तुम बनाओगे तो रखी जाएगी ना, जगह क्यों नहीं है, उधर भी जगह, इधर भी जगह, ये कोने पे रख सकते डब्बा। गाड़ी 15-20 दिन में आई तो आई, नहीं तो नहीं आती है गाड़ी, वो भी बोलने से आती है, कोई फोन करेगा, हाथ पैर जोड़ेगा, उधर जाके तो गाड़ी आती है। अभी भी मैं गया था ऑफिस पे, तो वहाँ पे जो भी मिले उन्होंने बोले 2 बजे उन लोग वहाँ आएंगे, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है किसी। 2 बजे बहुत मसला है, खराब कचरे का मसला है। उधर से हम लोग का रास्ता था, साफ सफाई तो मैडम ने पथरा मार दी है, तो रास्ता कहीं से है नहीं। कितनी फुटेज मेरे पास ऐसी पड़ी है, यहाँ से हम लोग जनाजा लेके गए, कोई टेढ़ा हो गया है जनाजा, पैर के नाले में चला गया, ऐसे ही पूरा टूटा हुआ है, पूरा खुला पड़ा, बहुत तकलीफ है, आगे तक पूरा खुला पूरा, बहुत दिन से नाले पे ढक्कन वगैरह भी नहीं है, ढक्कन भी कुछ नहीं है, ढक्कन ओकन कभी कुछ कोई डाला ही नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। मेरे पास वीडियो है, सब भेजी भी, लेकिन कुछ रिप्लाई आया नहीं है। तुम आज की फुटेज निकालो, चल के देखो तो आपको पता चलेगा। का रास्ता वहाँ था भाई, ये लोग ने घेर लिया हम लोग का रास्ता, मस्जिद वाले को बोलो तो मस्जिद वाले बोलते हैं, इनको बोलो तो बोलते हैं मस्जिद वाले को बोलो। वो रास्ता जब पतरा वो रास्ता हम लोग वहाँ से रेहान भाई को भी हमने बोले, क्या बोले रेहान भाई? रेहान भाई बोले कुछ जवाब नहीं दिया, बोले हम लोग देखते, वो अभी तक देख रहे, 3 साल हो गए अभी तक देख ही रहे, हम लोग को बहुत तकलीफ है। जो पतरा लगा है वो उन लोगों की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए लगा है ना, प्रॉपर्टी है, पर उसने जगह दिया ना, मुक्ता ग्राउंड और इन्होंने रास्ता दिया हमको, उसने दिया था रास्ता, पर इन्होंने घेर लिया रास्ता। मुक्ता वाले ने जब काम शुरू किया उसने अच्छा खासा अच्छा बड़ा रास्ता दिया था हम लोग को, पर उन लोग ने घेर लिया फिर से आ सके थे, अच्छा बड़ा रास्ता दिया था उसने। अभी जो बाकी के बचे हुए रास्ते हैं वहाँ पर सब कचरे डाले जा रहे हैं, कचरा डाला बंद हो रहा है, रास्ता रास्ते बंद हो गए हम लोग के, मैयत भी हम लोग हाथ से उठा के लेके जाते, तुम चल के देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। बगल में ही है,